लुधियाना में गिल चौक के निकट एक व्यक्ति द्वारा वृद्ध के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरोपी नामधारी वृद्ध सिख की दाढ़ी खींचकर उसकी धार्मिक भेद भी कर रहा है। मामला पुलिस के पास पहुंच गया है और इस संबंध में पीड़ित पक्ष की ओर से सिविल अस्पताल में मेडिकल भी करवाया गया है। वहीं पुलिस चौकी मिल्लरगंज के इंचार्ज एएसआई बलवीर सिंह के मुताबिक दोनों पक्षों के बयान लेकर मामले की जांच की जा रही है और बनती कार्रवाई की जाएगी। कोई गलबात नहीं हुई और किन्ना मतलब देखा जावे तो की पैसा का कोई लेन देन रखा जा रहा है। पैसे का लेन देन तो कम लेट करके 10,000 रुपये पीछे सारे पीछे मार दो उनका कम लेट रहता तो और कोई गल नहीं। कितने दिन का लेट सीगा जी कम तो कम 2 महीने लग गए, मैं बीमार हो गया। एक्चुअली गल है साढ़े को कल पहला प्रीतम सिंह आया सी कंप्लेंट दे के गया सीगा भी मैं पैसे लेने से उत्थे उस शॉप के उत्ते आया हुआ सीगा तो उत्थे कदे कट्ठे हो गए भी वो कहना कुटमार हुई है तो भी एक बंदा जिहड़ा हैगा एक्टिवा छड़ गया सानू कंप्लेंट दे गया सीगा। उस तो बाद रात नू दूसरी पार्टी जिहड़ी हैगी है वो करीब 8 बजे आके कंप्लेंट वो भी दे के गई है भी इदां कि साडे बजुर्ग एक मैडिकल भी दे के गए हैं तो वो असीं वेरीफाई कर रहे हैं तो मैडिकल लिया के जो भी लीगल होगा एक्शन लवांगे। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा, सोनी की रिपोर्ट।